ये बिल है, ये बिल आया इनको, देखो लॉकडाउन में 12,000 रुपए ब्लड बिल आ गया इनको। अब जब दुकान ही बंद थी तो 12,000 रुपए ब्लड का बिल कैसा आता? ये यहाँ ये हमारे कैमरा मैन इनको शूट कर रहे, देखो 12,820 रुपया इनको बिल आया है। ये तो लॉकडाउन में बिल कैसा आता, दो महीने ऑलरेडी दुकान बंद थी। अभी आज 1 तारीख को मार्केट खुला है और हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ दुकानदार साफ सफाई कर रहे हैं और चेहरे पे उनके रौनक देखी जा रही है कि तो मार्केट खुल गया। अब हम इन दुकानदारों से पूछेंगे, 2 महीने के बाद में मार्केट खुला था, इनके मन में क्या चल रहा है? 2 महीने से मार्केट बंद था, लॉकडाउन लगे हुआ था और 2 महीने से ना कोई धंधा ना कोई पानी कुछ भी नहीं था हमारे पास, और 2 महीने के किराए बाकी है, हमारे किराए की दुकाना है और माल जैसे का वैसे ही पड़े हुआ है। अभी 2 महीने के बाद दुकान खुला और हम तो आदमी लोग है, हमारे पास ना पेमेंट थी ना कुछ थी, हम कैसा चलाए उधार सुधार लेकर, और महंगाई इतनी थी कि हमारे पास आज घरों में ऐसे हालात हो गए कि अगर 3 से 4 आदमी कमाने वाले अगर रहेंगे तो घर चलेगा, एक आदमी पे घर नहीं चलता, और पूरे के पूरे घरों में बैठे हुए थे। आज मीठा तेल 200 रुपये लीटर हो गया, पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर हो गया, समझे। और आज हम खोले हैं आज दुकान तो आज भी क्या साहब 10 बजने को आ गए हमारे पास, लेकिन अभी मार्केट के अंदर गिराकी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, अभी सिर्फ साफ़ सफाई कर रहे हैं हम, लेकिन ऐसा धंधे की कोई ये नहीं है, और ना हमारे को सरकार के तरफ से कुछ मिला हमारे को, ना हमारे को सरकार मदद करी, ना व्यापारियों को मदद करी, ना वर्करों को, ना लेबर को, किसी को नहीं, कोई रिक्शे वाले, कोई हाथ गाड़ी वाले, कोई पान टपरे वाले, कोई किसी को मदद नहीं करे। हाथ गाड़ी वाले और रिक्शे वाले को तो 15,000 गवर्नमेंट ने दी, हमारे को तो मालूम नहीं पड़ा कि भाई किसी ने, कोई रिक्शे वाले ने नहीं बोला कि हमारे को मिले हैं पैसे बोल के। अब जिसको मिले होंगे 5-10 जनों को मिले होंगे, बाकी के तो सब परेशान हाल है, लेबर वर्कर सब परेशान हाल है, गरीब लोग हैं। आज मार्केट खोले के कम से कम आज से रोजी रोटी चालू होंगी बोल के अल्लाह से दुआ है, और सरकार का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई आइंदा से क्या सो ये लॉकडाउन ना लगाए और ये लॉकडाउन खोले। अभी देखेंगे कि अभी धंधे का तो कोई पता नहीं है, 10 बजने को आ गए कोई धंधे का पता नहीं है, समझे। माल जैसे का वैसे थप्पियाँ पड़े हुए, माल ख़राब पड़े हुआ है, पूरा माल ख़राब होगा, नुकसान होगा, 2-2 महीने किराए, लाइट के बिल क्या सो 12,000 13,000 रुपये लाइट के बिल आ गए। बाद में लाइट बिल इतना 12,000 रुपये कैसा है आपको आया साहब? देख लीजिए, हम बिल बताते, बिल लेकर आओ साहब, वहाँ से बिल लेकर आओ, बिल बताओ। सबसे पहले तो आज जो 2 महीने के बाद ये मार्केट खुला है और उसमें भी जो टाइम दिया गया है 7 से 2, अब इसमें जो कारोबार का जो वक्त है, कारोबार का वक्त सुबह 10 बजे के बाद चालू होता है, अभी तो यहाँ पे दो महीने से जो बंद था उसकी साफ़ सफाई में सब लोग लगे हुए हैं। मैं भी एक छोटा मोटा कार्य ताजिर हूँ, मैं भी मेरी दुकान की साफ़ सफाई कर रहा हूँ, अभी तक कोई भोनी नहीं हुई है, और जो है जब ग्राहक आएगा जब भोनी होंगी। रही बात दूसरी, तो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो पेट्रोल के सबसे ज़्यादा जो दाम बढ़ा के रखी है, उसके बाद जो है तो घर का जो गैस है उसके दाम बढ़ चुके हैं और तेल के दाम बढ़ चुके हैं, जो मीठा तेल है और जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसके भी सारी चीज़ें बढ़ चुकी है। अब गवर्नमेंट ने जो वादे की थी जो गरीबों के लिए, वो भी कोई स्कीम अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम तो बस गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि अब ये जो ब्रेक द चैन लॉकडाउन का जो नाम दिया गया था इसे ख़त्म किया जाए, सुबह 9 से रात के 9 तक ये जो है तो कारोबार करने का मौका दिया जाए। आपका क्या कहना सर? सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस लॉकडाउन से नजात दिया। अनाज बांटने से क्या होता, तेल के पैकेट बांटना था गवर्नमेंट ने, जो चीज़ महंगी है वो चीज़ बांटना था गवर्नमेंट ने। अब ये अनाज बनेंगे काय में, सूखा सूखा खाना, 200 रुपये का तेल का पैकेट। अब रिक्शे वाले से कोई भी भाव ताव कर रहा, जैसा हमारे हम सिटी चौक में है तो रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा है हमारे आजू बाजू में, तो अब जैसा जहाँ 60 रुपये लगते थे वहाँ लेडीज़ 30-40 रुपये दे रही। ये दुकानदार का कहना है कि भाई बराए मेहरबानी सरकार से गवर्नमेंट से गुहार लगाते कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, अब जो 2 महीने के बाद में लॉकडाउन खुल रहा है तो सुबह 9 से रात में 9 का टाइमिंग दिया जाए। और इनके भी एक गुजारिश है कि लॉकडाउन में भी इनके घर खर्च मुश्किल था, आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, गैस के रेट बढ़ रहे, खाने का मीठे तेल का रेट बढ़ रहा, ये महंगाई के ऊपर भी गवर्नमेंट रोक लगाए और इसके दाम कम करे। और दुकानदार का ये भी कहना है कि लाइट बिल जो आ रहा है, लाइट बिल दुकान जब बंद होने के बाद में उसकी लाइट बिल माफ़ किया जाए, इससे पहले भी आश्वासन दिया गया था कि लाइट बिल माफ़ करेंगे, लेकिन लाइट बिल माफ़ नहीं हुआ। इनका कहना है कि घर पट्टी भी माफ़ करे किया जाए, गवर्नमेंट से गुहार लगाते। कैमरामैन शेख समी के साथ जलाली जुबैर अहमद, MCN समाचार, औरंगाबाद।